तो आज का पहला न्यूज निकल कर आ रहा है मोफसर एब्लॉय और एल्जमिन स्टर्लिंग को लेके। मैंने आपको बहुत दिनों पहले कहा था कि एल्जमिन स्टर्लिंग ने कॉल आउट किया था मोफसर एब्लॉय को कि मेरे से फाइट करो सितंबर या अक्टूबर के करीब, लेकिन मोफसर एब्लॉय ने भी उसको टाइम दिया था कि मैं तो फाइट करना चाहता हूँ अगस्त में, लेकिन एल्जमिन स्टर्लिंग ने भी कहा था कि मैं अगर फाइट करना चाहूंगा तुमसे तो मैं तो फाइट करूंगा सितंबर या अक्टूबर में, अगर तुम फ्री हो तो वहां पे फाइट करते हैं। तो इसी को लेके आपको अपडेट देने वाला हूं कि यूएफसी वालों ने इन दोनों का फाइट अनाउंसमेंट कर दिया है यूएफसी 307 में अक्टूबर 5 में इन दोनों का बीच में फाइट होगा। लेकिन अभी देखना बाकी है कि दोनों ही ग्रैपलर है कि किसका ग्रैपलिंग ज्यादा बेहतर है, क्या अनडिफीटेड फाइटर मोफसर एब्लॉय अपना अनडिफीटेड स्ट्रीक को बरकरार रख पाएगा या फिर एल्जमिन स्टर्लिंग जो फॉर्मर चैंपियन भी है वो मोफसर एब्लॉय को हरा देगा और उसका जो अनडिफीटेड स्ट्रीक है उसको तोड़ देगा। तो आप किसका साइड में है इस फाइट में वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है कमारू उस्मान को लेके। कमारू उस्मान ने अपना रिप्लाई दिया है उन लोगों को जो लोग सोचता है कि कमारू उस्मान क्यों फाइट नहीं करना चाहते हैं, उसका तो इतना ऑप्शन है तो वो फाइट क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो कमारू उस्मान ने कहा है कि मैं फाइट करना चाहता हूं लेकिन वो मेरा कंडीशन पे होगा, उन लोगों के हिसाब से नहीं होगा, और मैं दिखाने वाला हूं कि ये जो भी लोग कह रहा है कि मैं उन लोगों से फाइट नहीं करना चाहता हूं तो उन लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि मेरा लेवल क्या है और उन लोगों का लेवल क्या है। अगर वेल्टरवेट डिवीजन में कोई है जो उन लोगों को रोक सकता है तो वो मैं ही हूं। इस वेल्टरवेट डिवीजन का मैं ही बोगीमैन हूं, वो मैं उन लोगों को दिखाने वाला हूं। तो ये वार्निंग था कमारू उस्मान के तरफ से सभी कंटेंडर को। तो चले चलते आज के आखिरी न्यूज पे। तो आज का आखिरी न्यूज निकल के आ रहा है हमजा चिमाइब को लेके। तो हमजा चिमाइब ने अपना ओपिनियन दिया है इन फ्यूचर में जो फाइट होने वाला है लियोन एडवर्ड और बिलाल मोहम्मद के बीच में, तो उसको लेके। तो हमजा चिमाइब ने कहा है ये दोनों ही फाइटर बोरिंग है, ये दोनों ही फाइटर बस घसीटता है फाइट को और लेके जाता है डिसीजन विक्ट्री के तरफ से। ये दोनों ही फाइटर ऐसा फाइटर है जो कभी फिनिश का तरफ नहीं जाता है, बस घसीटता रहता है फाइट को कि कब हम डिसीजन विक्ट्री से विक्ट्री ले। लास्ट टाइम मैंने जब लियोन एडवर्ड को देखा था वो कमारू उस्मान को जो हेडशॉट देके जो नॉकआउट किया था वही नॉकआउट उसका जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, और उसके अलावा मैंने उसको देखा नहीं कोई भी फाइट वो फिनिश करे। ये बहुत ही बोरिंग फाइट होगा और लोगों को ये देख के मजा भी नहीं आएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये कहना था हमजा चिमाइब का। तो क्या आपको लगता है कि बिलाल मोहम्मद और लियोन एडवर्ड के बीच में जो फाइट होने वाला है वो डिसीजन से विक्ट्री होगा जो भी जीतेगा उन दोनों में से, और क्या आपको लगता है कि ये बोरिंग फाइट होगा इन दोनों के बीच में? तो इस बारे में आपको क्या लगता है वो जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।